अल्लाह बस इस दफा पास कर दे अल्लाह, अगले सेमेस्टर स्टार्ट से पढ़ूंगा यार, अल्लाह इस दफा पास कर दे बस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, वेलकम टू रैप्टर व्लॉग। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और आज मेरा पहला पेपर है, जैसे कि आज मेरी फुल तैयारी है भाई, बम तैयारी यार। मुझे ना पहली दफ़ा कुछ इतना अच्छा अच्छा से फील हो रहा है, मतलब जब बंदा फुल तैयारी करके आता है ना टाइट वाली, तो दिल गार्डन गार्डन होते हैं। मतलब पहली दफ़ा इतना पढ़ के आया हूँ पेपर के लिए, वरना बगैर पढ़े ऐसे ही दे देते हैं हम तो भाई। लक्ष्य तैयारी करके आया हूँ, आज पेपर में ना लाशें बिछा देनी है, मतलब फुल एकदम रेडी हो के आया हूँ। मुझे ना आज कुछ कुछ हो रहा है, मतलब पेपर अच्छे से तैयार है, लेकिन यार मसला पता है क्या है, पूरी बुक याद की है, बस सिर्फ एक चैप्टर छोड़ दिया। मुझे लगता है जो पेपर आने वाला है ना वो उसी एक चैप्टर से आने वाला है, दूसरा ऊपर से ऐसे हराम को दोस्तों बार बार खोल के बैठते हैं, मतलब जो पहले से याद है वो भी सारा भूल जाते हैं। आज के मेरी वीडियो खासतौर पे उन लोगों के लिए, मतलब पापा के परियों के लिए, बाबू सोना रोना धोना के लिए, मतलब यार यूनिवर्सिटी में आके जो मेरे जैसे शरीफ लोगों को जो आजकल सामना करना पड़ता है ना मुश्किलात का, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो मेरी वीडियो को पहली मोहब्बत समझ के सीरियस नहीं लेना, ये एज अ फन है। तो खासतौर पर पेपरों के दिन में जो मेरे जैसा शरीफ बंदा पूरी रात 2-3 घंटे लगा के मेहनत करके खूब पढ़ के आए, और जब यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही इंटर हो सामने देखे चुड़ैलें, यार अल्लाह माफ़ करे ऐसी चुड़ैलें यार, मतलब क्या होता है अगर पेपर वाले दिन लड़कियाँ मेकअप ना करके आए यूनिवर्सिटी, मतलब आम दिन में भी तो आती हैं यार, पेपर वाले दिन खासतौर पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करके आते भाई, इनको देखते ही रात की सारी मेहनत जाया, मेहनत मतलब यार समझा करो यार, जो मतलब पेपर के लिए पढ़ने के लिए हम मेहनत करते हैं सारी जाया भाई। एकदम ऐसे बंदा सारा भूल जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब यार खत्म सब, जैसे हमने जिंदगी में कभी भाई पढ़ा ही नहीं था, इनको देखते ही पहली नज़र में बंदा सब भूल जाता है, फिर इतना इतना मेकअप करके आते हैं। दूसरा यार जो हमारे साथ सीन ये होता है कि जब बंदा हम पेपर देने जाते हैं तो निगरान इनको देख के भाई, ये अगर निगरान को स्माइल दे देती है ना वो भाई, बंदा इनको छोड़ देते, जितनी मर्जी नकल करें भाई कोई पूछने वाला नहीं था, ऊपर से उल्टा वो इनको MCQs बता रहा होता है 1-2-3 ऐसे करके। और अगर मेरे जैसा शरीफ बंदा स्माइल दे दे वो पेपर छीन लेता है, बोलता है कि हरामखोर किसकी नकल लगा रहा था, मतलब ये लड़कियां मेकअप करके आए तो कोई मसला नहीं है, ऐसे लगता है मेकअप करके पेपर देने नहीं आती है, कुछ और देने आती है प्रोफेसर को, मतलब यार वाह वाह, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल देते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा यार अपना एग्जाम का टाइम होने वाला है तो हम चलते हैं एग्जाम रूम में, यूनिवर्सिटी घूमते हुए तो यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा, मेरे साथ रहने तो अब हम चलते हैं। यहाँ से ना बिल्कुल सीधा जाना है, राइट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, फिर राइट लेने फिर लेफ्ट लेने, फिर थोड़ा आगे जाके फिर राइट लेने, फिर थोड़ा आगे जाके फिर लेफ्ट लेने, फिर ऊपर जाना है, ऊपर डिपार्ट सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर जाके आपको नज़र आएगा कुछ लोग ना, कुछ पागल से लोग इकट्ठे होंगे एग्ज़ाम से पहले शोर शराबा कर रहे होंगे, तो मतलब वही वहाँ जाके हमारा एग्ज़ाम होगा। ये वो सीन है जब आपके दोस्तों का पेपर अच्छा हो जाए तो सब खुशी मना रहे हो और आपका टिंडे जैसा मुंह बनो वो। गुड बाय गया।